राशिद किचन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े। बहुत ही टेस्टी रेसिपी दही बड़े की, बहुत ही आसान रेसिपी दही बड़े की। तो शुरू करते हैं आज की ये खास रेसिपी। आप देख रहे होंगे ये उड़द की दाल है और ये मूंग की दाल है। ये हमने ऑलमोस्ट 200 ग्राम के आसपास ली है, एक गिलास का मेजरमेंट है, और ये 100 ग्राम होगी। इन दोनों दालों को हमने रात में भिगो कर रखा था। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई हैं, भीग गई हैं। अब हम इन दोनों दालों को मिक्स करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दाल को ग्राइंड कर लिया है, और इस दाल को हम इस बर्तन में निकालते हैं इस तरह से। दोस्तों हमने पूरा बैटर इसमें निकाल लिया है अपने बर्तन में, और अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक इस तरह से। आप भी अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ हम डालेंगे इसमें ये सौंठ पाउडर। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कई लोगों को उड़द की दाल सूट नहीं करती है, कई लोगों को उड़द की दाल नुकसान करती है। तो सौंठ बहुत हद तक उस असर को कम करती है जो उड़द में नुकसान वाले करने वाले तत्व होते हैं। सौंठ पाउडर भी ऐड कर दिया है। इसके साथ हम डालेंगे हींग। बहुत थोड़ी सी हींग हमने यूज़ की है, ये भी सेहत के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद होती है। और अब हमने ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं, और अब इसको हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। चम्मच से या और चीज़ों से नहीं फेंटेगा, इसको हमें हाथ का ही यूज़ करना पड़ेगा इसमें। अब हम इसको एक ही डायरेक्शन में लगभग इस तरह से फेंटना शुरू करेंगे, और ये आप मान के चलिए कि कम से कम इस तरह की एक्सरसाइज 10 मिनट हमें करना पड़ेगी। तो लगभग 10 मिनट फेंटने के बाद आप देख सकते हैं ये इतना स्पंजी हो गया है, इतना अच्छी तरह से फिट गया है, और यही स्टेज हमें एक्चुअल में चाहिए पड़ती है इसके लिए। और आप इसके लिए प्रूफ ये है कि आप अगर इसको उल्टा भी करेंगे तो भी नीचे नहीं गिरेगा। तो चलिए चलते हैं गैस के पास। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पैन में तेल गर्म हो गया है, गैस पे हमने तेल गर्म कर लिया है, और अब गैस का फ्लेम हम लो करते हैं। चम्मच के सहायता से हम इस तरह से अपने पड़ों को तेल में डालना शुरू कर देंगे। और बिल्कुल इसी तरह से हम और भी बड़े सेंकते जाएंगे। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है और चलाते भी जाएंगे साथ साथ में, जले ना। और जितनी तेल में जगह है, जितनी कढ़ाई में जगह है, उतने हमने ऑलमोस्ट इसमें बड़े डाल दिए हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप अक्सर जब भी मौका हो, समय हो, इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये दही बड़े सभी को पसंद आते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कोई भी समारोह है, कोई भी फंक्शन है, उसमें अक्सर दही बड़े एक मेनू के रूप में मेनू में ज़रूर होते हैं। हम इसको बना के रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और हम इसको पलट लेते हैं, गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे, अगर हम तेज़ कर देंगे तो दही बड़े जल भी सकते हैं। दोस्तों इसको हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये अंदर तक बहुत अच्छी तरह से पक जाए। अगर हम गैस का फ्लेम तेज़ कर देंगे तो ये ज़रूर आपको ऐसा लगेगा कि ये सिक गए हैं, लेकिन अंदर से इनका कच्चापन ज़रूर टेस्ट में आता रहेगा। इसलिए आप लो फ्लेम पर इसको सेकें और बहुत अच्छी तरह से इसको सेकें। और दोस्तों आपको जब भी समय मिले रेसिपी देखते देखते तो नीचे सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दीजिएगा, और उसका बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और बताइए कि अगली रेसिपी आपको हमसे किस तरह की चाहिए। और अब दही बड़े हमारे सिक गए हैं, अब बारी है इसको बाहर निकालने की। और आप देख सकते हैं ये दही बड़े बनकर पूरी तरह से हमारी प्लेट में आ गए हैं। थोड़ी सी प्रोसेस बाकी है, अगली प्रोसेस में चलते हैं।
इसमें हमने दही लिया है, मिक्सर ग्राइंडर है ये, लगभग 250 ग्राम दही है। इसको हम मिक्स करेंगे मिक्सी के साथ में। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सर ग्राइंडर से। आप चाहेंगे तो इसको हाथ से भी फेंट सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ हमारा ये है कि दही बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। और इसको हम इसमें निकालते हैं अपने बाउल में। इस तरह से पूरा दही निकाल लिया मैंने। और दोस्तों अब इसमें दही में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसको मिला देते हैं। नमक को दही में अच्छी तरह से मिल जाए। नमक डालकर हमने इसको मिला दिया है। अब हम इसको रखते हैं थोड़ा सा दूसरी तरफ, एक और प्रोसेस करते हैं। हल्का कुनकुना पानी है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हींग इस तरह से। साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। इस पानी को इस तरह से चला देते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो यकीनन आपके दही बड़े बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेंगे। और अब इस पानी में हम जो हमने इस तरह से दही बड़े सेक कर रखे हुए थे, इसको हम इस पानी में डाल देते हैं। इस तरह से हम पानी में डालते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि ये सारे दही बड़े पानी के ऊपर हैं, अंदर नहीं गए हैं, डूब नहीं रहे हैं। बहुत ही स्पंजी दही बड़े बने हैं। अब इसको हाथ से इसको अच्छी तरह से हम पुश करते हैं और इस तरह करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमी और पानी आ जाए। थोड़ा सा पानी कुनकुना है तो आप चाहेंगे तो इसको चम्मच से पुश कर दें। थोड़ा सा इसको हम रेस्ट देंगे लगभग 5 मिनट तक। ढक के रखते हैं ढक्कन से इस तरह से। थोड़ा सा दब जाएंगे, वेट रहेगा ताकि ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं दही बड़े को, पानी भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। अब छोटी सी प्रोसेस, इसको हमें इस तरह से हाथों पे लेके इसका जो भी नमी है इसकी ये बिल्कुल निकाल देना है इस तरह से। और इस दही बड़े को हम अपने दही के अंदर डाल देंगे इस बड़े को। और यही प्रोसेस सारी दही बड़े के साथ आपको करना है। और आप देखेंगे पानी निकालने के बाद फिर से वो उसी शेप में आ जाता है दही बड़ा, और इसको हम अपने दही में डाल देंगे। इस तरह हम ये सारे प्रोसेस करेंगे, इसका पानी कम करेंगे, पानी निकल जाए, और फिर इसको हम अपने दही में इंक्लूड कर देंगे। और ये दही बड़े पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। और अब हम इसको निकालते हैं अपने सर्विंग बाउल में खाने के लिए, खाने की तैयारी करते हैं। तो चलिए निकालते हैं दही बड़े को। ये दही बड़ा हमारी कटोरी में, थोड़ा सा दही ऊपर से डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे इसके ऊपर से भुना हुआ जीरा, डालेंगे थोड़ा सा काला नमक, रेड चिली पाउडर, स्पाइसी टच आएगा। और अब डालेंगे हरी मिर्च और हरी धनिया की हरी चटनी इस तरह से। और अब फाइनली इमली की चटनी। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसको अगर इस तरह से यूज़ करेंगे तो एक एक टेस्ट इसका बहुत ही शानदार आपको लगेगा। और ये दही बड़ा किसी दही बड़े से, किसी मार्केट के दही बड़े से कम नहीं है। तो दोस्तों देखा कितनी आसानी से आज हमने दही बड़े बना लिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी आज आपने इतनी आसानी से बना ली। दोस्तों आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप और हमारे चैनल से क्या चाहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।